ठीक है, अब जाते हैं इसका कैलकुलेशन करते हैं, ओमेगा क्यू बराबर तो एक एक ठीक है, दो हो गया, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, बोलिए जी ये समझ में आया कि नहीं आया, और इसका कैलकुलेशन इतना ही आएगा, क्यों देखिए यही चीज तो यहाँ पर था, वही चीज जो वहाँ आया वही चीज यहाँ है, तो इसका कैलकुलेशन इतना आया तो उसका भी कैलकुलेशन कितना आएगा, इतना ही आएगा तो होल स्क्वायर लिख रहे हैं, सही लिखते हैं हम पर लिख लेते हैं है? बोले सर लिखे हैं हो गया, कैसे जी इसका जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन क्या है क्या है वही और अब बताइए फॉर्मूला कितना होता है माइनस का होल स्क्वायर और माइनस माइनस होता है समझ में आया प्रूफ हुआ। अब देखिए इधर एक और सवाल लिखा है चार नंबर, इसमें देखिए तो कहीं पावर फॉर्मूला काम कर रहा है, पावर फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है तो अब सब फॉर्मूला लागू करना होगा, दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लागू होगा तब ना आगे बढ़ेगा, तो सब फॉर्मूला भी स्पष्ट नहीं दिखाएगा, सब फॉर्मूला मेरे पास चार हो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या वन प्लस ओमेगा चाहे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहे ओमेगा प्लस कोई दिखाई दे रहा है, कभी कभी रोटी बना बनाया मिलता है, कभी घर जाइएगा तो बना बनाया मिलेगा, यहाँ है तो उसी तरह इसमें और फॉर्मूला का रूप लाना होगा ठीक है, तो लाने के लिए देखिए इसमें से इसमें से अगर हम तीन कॉमन ले ले तो फॉर्मूला का रूप पकड़ लेना, क्या कर रहे हैं फिर तो इसमें से क्या कॉमन ले ले अगर थ्री कॉमन ले ले तो फॉर्मूला रूप आ जाएगा वन प्लस प्लस फाइव ओमेगा अपने जगह पर आ गया पावर, अब ये आ गया फॉर्मूला बोलिए तो यहाँ माइनस ओमेगा रखिए तो हुआ होल पावर पांच को ओमेगा से तीन को घटता है पावर सिक्स